हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। जैसा कि वीडियो के थंबनेल पेज पे आप देख ही चुके हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये अनुमान है सिर्फ मेरा, ज़रूरी नहीं है, एक्यूरेट नहीं है कि यही कट ऑफ होगी या ऐसे ही होगी। ये सिर्फ मेरा एक अनुमान है। मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किए हैं, उसके बेस पर मैंने एमटीएस एसएससी एमटीएस 2019 की कट ऑफ के बारे में बताना चाहा है। देखिए आप, मैं आपको समझाता हूँ। इसके जो पेपर हुए थे वो 2 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में हुए थे, और जो 2 अगस्त और 8 अगस्त के तक पेपर हुए थे या बीच में पेपर हुए थे वो इजी माने गए हैं, बशर्ते उनके कि जो लास्ट शिफ्ट में हुए थे या लास्ट वीक में हुए थे। तो जो ईजी शिफ्ट मानी गई है वो 5 से 8 नंबर तक उसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, और जो 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त और 18 अगस्त के बीच में पेपर हुए थे वो मॉडरेट हुए हैं। ये आप सबके रिव्यू के आधार पर ही बताया जा रहा है कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी, मॉडरेट थी, हार्ड थी। और जो 18 अगस्त के बाद पेपर हुए हैं वो शिफ्टें मॉडरेट शिफ्ट हैं, उनके अंदर आपके 8 से 12 नंबर तक बढ़ सकते हैं। और जो 18 अगस्त के बाद हुई हैं 19 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में, वो शिफ्टें हार्ड शिफ्ट हैं, उनके अंदर आपके 15 से 20 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने मार्क्स मैंने बताए हैं इतने ही मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी थी। जितनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। ये मैंने आपके लिए एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया, एसएससी एमटीएस जो एज रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है ये आप देख लीजिए एक बार। और ये मैंने बताई है जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही है जनरल एससी एसटी ओबीसी के बारे में, ये आप देख लीजिए। ये जो कट ऑफ है ये 150 में से है, 150 में से है। और जो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए और एससी के लिए, ये आपके सामने है। और ये जो मार्क्स हैं ये 100 में से हैं, आउट ऑफ 100 मार्क्स है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई वीडियो में कमी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू।